अंत्योदय योजना हो या उज्ज्वला गैस योजना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों को मिला है। भारतीय जनता पार्टी कभी जात पात नहीं और करती है। मैं दरभंगा पूरे मतलब विधानसभा है और नगर निगम क्षेत्र है, 4800 वार्ड में मैं अपना जनसंपर्क सेवा करती हूँ किया है। और मैं अभी रिजाइन क्यों, लेकिन मैं शिक्षा से हमेशा जरूरी जुड़ी, जैसे रहूं। ही चुनाव होता है महापौर पद पर आती हूँ तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि सड़कों पर जो कचरों का अंबार होता है, जो खुला बीमारी को खुला आमंत्रण देते हैं, इसको सबसे पहले जो कचरा भंडारण की व्यवस्था हो। चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो कहते हैं हम गरीब हैं, मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जिनको आवेदन लिखना नहीं आता, मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल नहीं उठाता, मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे 5 साल फिर पछताएंगे। उखाड़ फेंके ऐसे प्रत्याशियों को जो आपको 5 साल रुलाने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और हम बता दें, दरभंगा के उन तमाम मेयर प्रत्याशियों के बयान हम सुना रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम जा रही है वार्ड पार्षदों के पास भी, क्योंकि कभी वार्ड पार्षद ने कहा था कि हमारे पास आपकी टीम नहीं आ रही है, तो हमारी टीम जा रही है वहां भी, और हम जानना चाह रहे हैं उनका आइडियोलॉजी। अब हम बता दें, मेयर प्रत्याशी का हम खुद इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने देखा होगा, रीता सिंह का, मधुबाला सिन्हा का, अर्जुन अंजनी देवी का, तो मीना झा का, तो हमारे साथ धर्मशिला गुप्ता है। आप जानते हैं धर्मशिला गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही हैं बहुत प्रारंभ से, 20 साल से ऊपर से इन्होंने सेवा दिया है। और वो अब जनता से कह रही है कि अगर कोई ऐसा नेता है भारतीय जनता पार्टी की महिला में, अगर सरकार महिला आरक्षण की बात करती है, आप महिला की बात करते हैं, तो हमारे साथ ये बताइए कि क्या चल रहा है अभी आपका चुनाव का, चल गया है क्या, आप आराम कर रहे हैं, जनता के बीच में है, क्या सोच? जनसंपर्क कर रही हूँ। अभी दीपावली और आस्था का महापर्व छठ है, उसके निमित्त मैं दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में जो पोखरे हैं हमारे, जहाँ हमारी माताओं बहनों छठ करती हैं, उनका सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रख रही हूँ। और सभी अपने वार्ड में और अलग अलग जगहों पर जाती हूँ, सबों की जन समस्या को, अभी खासकर महापर्व जो छठ है उसके निमित्त में सबों से मिल रही हूँ, सबों की समस्या को जानकर यथासंभव प्रयास करती हूँ कि जो समस्या है छठ घाट का वो मैं निपटा सकूँ। नगर निगम प्रशासन, माननीय नगर आयुक्त से मिलकर भी मैंने कई तालाब पोखरों के बारे में उनको कहा है, उन्होंने संज्ञान भी लिया है, काम भी हो रही है। ये बताइए धर्मशिला जी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, और जब आप विधायक का भी चुनाव देखते हैं उसमें भी हिंदू मुस्लिम, क्या लगता है कि मेयर के चुनाव में भी इस तरह की हिंदू मुस्लिम की बात होगी क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। आप देखे होंगे ये, या अंत्योदय योजना हो या उज्ज्वला गैस योजना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों को मिला है। भारतीय जनता पार्टी कभी जात पात नहीं करती है, और नगर निगम चुनाव में कोई जात पात नहीं होने वाला है। हमारे नगर निगम क्षेत्र के सभी सम्मानित जनता का, मतदाता का मान बराबर है, कोई जात पात नहीं। अच्छा धर्मशिला जी, ये बताइए कि सभी जो मेयर प्रत्याशी अपना अपना वार्ड चयनित कर लिया, 48 वार्ड हैं, कोई 8 वार्ड को चयनित करके दिन रात मेहनत कर रहा है, क्योंकि सब जानता है कि अगर 8 वार्ड में 5-5 हजार भी मेरा 40 हजार वोट आ जाता है, तो कुछ लहरियासराय में बट गया है, कुछ दरभंगा में बट गया है, तो आप जो है रीता सिंह कर रहे हैं कि लहरियासराय में ज्यादा कैंपेन कर रही हैं, धर्मशिला गुप्ता अपना कर रही हैं, आपको हम बता दें कि अंजनी देवी अपना कर रहे हैं, राकेश नायक अपना कर रहा है, फिर आपको बता मीना झा अपना कर रही है, तो इस तरह जो बंद कंपेन कर, आपका क्या कंपेनिंग कर? देखिए, वार्ड चयनित करना तो ये संकीर्ण राजनीति होती है। मैं तो 30 वर्षों से पूरे बिहार और जिले की राजनीति करती हूँ, और मैं दरभंगा पूरे मतलब विधानसभा है और नगर निगम क्षेत्र है, 4800 वार्ड में मैं अपना जनसंपर्क करती हूँ, मेरे लिए 4800 वार्ड है, मैं किसी एक पर्टिकुलर किसी 2-4 वार्ड में नहीं, 48 वार्ड है, मैं सब में जाती हूँ और सबों से अपना आशीर्वाद मांगती हूँ कि आप महापौर के चुनाव में मुझे अपना आशीर्वाद दें, अपना सहयोग दें, इस तरह से मैं 4800 वार्ड में जनसंपर्क कर रही हूँ। अच्छा एक और बात होता है, लोग कहते हैं कि वैश्य की राजनीति, वैश्य की राजनीति, वैश्य तेली को नहीं देगा, तेली वैश्य को नहीं देगा, इस तरह की बात आ रहे हैं
जनता के बीच में लोग जा रहे हैं, ये मामला क्या है, क्या इस तरह से क्या आपको लगता है कि वैश्य आपको, क्योंकि वैश्य हमेशा से भाजपा का समर्थक रहा है, भाजपा वोटर रहा है, तो क्या लगता है इस परिस्थिति में क्या भाजपा को समर्थक उम्मीदवार को छोड़कर किसी और को दे सकता है? देखिये, वैसे कभी नहीं बटा है ये कहने की बात है, लेकिन पटन पर वैसे सभी एक है, और ये नगर निगम चुनाव सिर्फ वैसे की नहीं है, है ना, सभी जाति धर्म के लोग, सभी सम्मानित मतदाता बंधु सबों सभी बराबर हैं, सभी सम्माननीय हैं, इसलिए कोई जात पात नहीं नगर निगम चुनाव में। सभी हमारे लिए मतलब कि सम्मानित हैं, सबों का मैं आदर करती हूं और सबों से अपना सहयोग मांगती हूं। आपने तो दांव पर लगा दिया है अपना कैरियर, आपने कहा कि हमने रिजाइन दे दिया है, आप जो पद पर थी, जो प्रोफेसर के पद पर थी, आपने उसको रिजाइन दे करके मेयर चुनाव लड़ा, चूंकि आपका राजनीतिक कैरियर रहा है, इसलिए आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्या लगता है कि जनता कितना फेवर करेगी आपके दांव पर? देखिए, समाज सेवा एक मतलब हृदय से उभरता है, और मेरे लिए समाज सेवा से अधिक और कुछ भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नौकरी में भी मैं जब थी तो मैं समाज सेवा, राष्ट्रीय सेवा योजना कोऑर्डिनेटर के रूप में मैंने समाज सेवा किया है, अनेक विद्यार्थियों का एडमिशन हो, एग्जाम हो, उसमें भी मैंने समाज सेवा किया है, और मैं अभी रिजाइन क्यों, लेकिन मैं शिक्षा से हमेशा जुड़ी रहूंगी, ये मेरा अपना अंदर का प्रतिभा है। मैं अगर महापौर भी बन जाती हूँ, आगे भी कुछ बनूंगी, तो मैं शिक्षा से जुड़ी रहूंगी और समाज सेवा के लिए मैं, मेरी सबसे बड़ी पूंजी समाज सेवा है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, समाज का सेवा हमेशा करती रहूंगी मैं। दीपावली छठ में आ रहा है, लोगों की बाहर से जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि दरभंगा में बहुत कुछ बदला नहीं है, अभी भी वही घाट गंदगी है, वही सड़क जाम है, वही अतिक्रमण है, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, कैसे आप देखती हैं? अतिक्रमण और गंदगी तो है, नगर निगम प्रशासन की बात करूं तो थोड़ी सी अकर्मण्यता तो वहां है। अभी जैसे कि महापौर पार्षद लोगों का, उनका जो मतलब काम करने का जो जिम्मा था वो उनसे छीन लिया गया है, तो इस वजह से भी थोड़ा कूड़ा कचरों का ढेर है, लेकिन जैसे ही चुनाव होता है, महापौर पद पर आती हूँ, तो मेरी पहली प्राथमिकता है कि सड़कों पर जो कचरों का अंबार होता है, जो बीमारी को खुला आमंत्रण देते हैं, इसको सबसे पहले जो कचरा भंडारण की व्यवस्था हो, और कचरा जो सुबह 7 बजे से पहले उठ जाए ताकि जाम न लगे सड़कों पर, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है नगर निगम से और घंटों लोग लाइन में खड़े रहते हैं, तो ये प्रबंधन की कमी है। अगर मैंने पहले भी कहा था कि इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प हो, तो सब कुछ मुमकिन होता है, और मुझे लगता है कि अगर लगन से काम किया जाए तो कोई चीज नामुमकिन नहीं होता है, मुमकिन होता है। अंतिम सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता आजकल भी आए थे और भी लोग आते हैं, पटना में भी बहुत हैं जिनसे आपका संपर्क है, कुछ बातचीत चल रही है कि किसी तरह, जैसे राजद बात कर रही है कि एक उम्मीदवार हो जाए, उसी तरह भाजपा का भी कोई ऐसा प्रयास चल रहा है क्या? देखिए, अगर मतलब कि भाजपा के उम्मीदवार लड़ते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी सोचेगी कि भाजपा हमारा मेयर हो, और वो करेंगे समर्थन, किसी एक को करेंगे। तो बता दें, हमारे साथ धर्मशीला गुप्ता हैं जो मेयर प्रत्याशी हैं, हम तमाम मेयर प्रत्याशियों के बयान आपको सुनवाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जज आप करेंगे कि कौन सा प्रत्याशी सक्षम है, कौन सा प्रत्याशी आपके लिए राजनीतिक सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जान लीजिए कोई किसी को खाना नहीं देता है, आम जनता को चाहिए कि 12 बजे रात में भी उसकी मदद करे। कुछ प्रत्याशी बट गए हैं वार्ड में, वो ये चाहते हैं कि हम 8 वार्ड में काम करें, कोई चाहता है हम 4 वार्ड में काम करें और इतना मजबूत कर लें, तो क्या आप मेयर बनेगा तो उसी 4 वार्ड का विकास होगा, बाकी वार्ड का विकास नहीं होगा? ऐसे प्रत्याशियों से भी सावधान रहें, जो प्रत्याशी कहते हैं कि हम कुछ वार्ड को ही चिन्हित करके वहां हम अपना जनाधार मजबूत कर रहे हैं, इससे नुकसान आम जनता को होगा। इसलिए आम जनता जो पूरा 148 वार्ड तक काम करे, प्रत्याशी को समझे, जाने उनके बारे में, उनके काम के बारे में, उनके उनको पढ़ने आता है या नहीं, वो शिक्षित है या नहीं, उनको जानकारी है कि नहीं, इन सब बातों को जानने के बाद आप वोट दीजिए, वरना फिर 5 साल पछताना पड़ेगा। देखते रहे बिहार में, क्योंकि हम आपको रखेंगे अपडेट।